हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। आज हम बिटुमन का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और उसका प्रोसीजर क्या है और वो कैसे करते हैं ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपको बिटुमन एक्सट्रैक्शन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ये मेरा वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। ये हमारी सेंट्रीफ्यूगल मशीन है और ये हमारा स्पीड कंट्रोल करने के लिए है, स्पीडोमीटर है, और ये हमारी ड्रेन पाइप है। ये क्लैंप है, इससे हम मशीन को खोल सकते हैं और उसको लॉक कर सकते हैं। ये बाउल है, इसमें हम मिक्स रखेंगे। ये एक्सट्रैक्शन मशीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पे काम करती है। तो पहले हम एक्सट्रैक्शन करने के लिए इस बाउल का हम लोग वेट करते हैं। फिर इसको टेयर कर लेते हैं। इसमें हमारे पास ये मिक्स है, साइड से आया है। अगर मिक्स हार्ड रहेगा तो उसको हमको हॉट प्लेट में गर्म करना पड़ेगा, गर्म करने से, जिससे कि वो थोड़ा लिक्विफाइड हो जाए। और हमको सिंपल जितना ज़्यादा ले सकें उतना अच्छा रहता है, लेकिन 1 kg तो लेना चाहिए। एक्यूरेसी ज़्यादा आती है, अगर आपका ज़्यादा सिंपल रहेगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। सिंपल लेते समय ये ध्यान रखना है कि फाइनल नहीं रहे या क्वेश्चन नहीं रहे। फाइनल रहेगा तो आपका बिटुमन कंटेंट ज़्यादा आएगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा फाइन पार्टिकल का, तो उसमें बिटुमन ज्यादा रहेगा। ये हमारा वेट आ गया है 1053.4। अभी इसको हम लिख लेते हैं। वेट ऑफ मिक्सर बिफोर टेस्ट इन ग्राम्स हमारा आया है 1053.4। इसको एक्सट्रैक्शन मशीन में बॉल को रख लेते हैं और स्पीड को 3600 आरपीएम पे सेट कर लिया है हमने। और इसमें कम से कम 200 ml जो है बेंजीन, या अगर बेंजीन नहीं उपलब्ध है तो आप पेट्रोल भी यूज कर सकते हैं। और उसमें फिल्टर पेपर हमको लगाना है। ये हमने फिल्टर पेपर लिया है, उसका वेट कर लिया है, वो आ गया 3.7। फिल्टर पेपर क्यों लगाते हैं, जिससे कि वो फाइंस बाहर ना निकल जाए, इसलिए हम लोग फिल्टर पेपर लगाते हैं। और इसको हम लोग अभी फिल्टर पेपर का वेट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। Thank you.
इसको कायदे से स्टैंप कर लेते हैं। फिल्टर पेपर फिर उसके ऊपर रख देते हैं। फिल्टर पेपर का कोई भी ऐसा कोई रूल नहीं है, आप एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। और इसको हम टाइट कर देते हैं। स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट करके और उसको 3600 तक ले जाएंगे। उसका कंसेप्ट ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो हमारा हमने बेंजीन यूज किया है वो उससे बाहर आ जाएगा। सो कैदे से टाइट कर देना चाहिए। धीरे धीरे स्पीड को बढ़ा देंगे। आपको पूरी तरह समझने के लिए हमारा ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। धीरे धीरे स्पीड कम करते हैं। इसको वॉच करते हैं। अगर पूरा बिटमन बाहर निकल गया होगा तो एग्रीगेट की कलर से भी हमको पता चल सकता है। अभी इसमें एक बार और करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बिटमन अभी दिख रहा है। इसको क्लैंप कायदे से इसको टाइट कर देते हैं जिससे कि फाइंस बाहर ना निकल पाए।
एक बार फिर से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको ड्राई करने के लिए हमको ओवन में रखना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर हम रखेंगे 110 डिग्री सेंटीग्रेड। आप चाहें तो इसको हॉट प्लेट पे भी ड्राई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन मकसद है कि इसको ड्राई करना है। लगभग 10-15 मिनट में ये ड्राई हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर 110 डिग्री इसका रखते हैं। अभी हम इसको ओवन से निकाल लेते हैं। ये ड्राई हुआ है या नहीं हुआ है वो आप अपने एक्सपीरियंस से देख सकते हैं। कोई लगभग 15 मिनट में ड्राई होता है, नहीं ड्राई हुआ है तो आप खुद से ड्राई कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो है इसलिए इसको हम थोड़ा शॉर्ट में दिखा रहे हैं, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। आपको खाली प्रोसीजर समझ में आना चाहिए। वेट आ गया है 1005.7, इसको हम नोट कर लेते हैं। इसके बाद हम फिल्टर पेपर का भी वेट ले लेते हैं।
ये आ गया 0.26। वो E में से हमने D घटाया है तो आ गया है। अभी हमको क्या करना है, A में से B घटा के वेट ऑफ एस्फॉल्ट एंड मिनरल मैटर्स निकाल लेना है। यह आ गया 47.70। अभी क्या करना है, वेट ऑफ बिटमन एक्सट्रैक्टेड हमको निकालना है। ये आ गया 47.44। अभी बिटमन कंटेंट हमको निकालना है, तो ये जो आया है इसमें से ओरिजिनल डिवाइड कर देंगे इनटू 100 तो आ जाएगा। ये हमारा बिटमन कंटेंट आ गया। ये हमने जो आपको प्रोसीजर समझाया है ये एजुकेशन पर्पज के लिए है, और आशा करता हूँ कि इस प्रोसीजर से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।